तो अखबार और टीवी वाले भी हिसाब किताब करके देखते हैं, जैसा उनका बजट वैसी उनकी भाषा। तो हमारे और आपके सामने चुनौती है कि नहीं है? हमारे और आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे हमारा आपका मुकाबला है वो कहो भगवान की कसम खा करके भी झूठ बोलने लगे हैं। करोड़ों रुपया पता नहीं कहां जा रहा है, करोड़ों रुपया, और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में। उनपे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। कभी बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस दे दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ही बुंदेलखंड फंस गया। और आज भी अगर यहां से जाओ तो झूला झूलते हुए चले जाओगे, क्योंकि अगर झूला ना झूला हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चल लो, अपने आप पता लग जाएगा झूला झूला कि नहीं झूला। लेकिन इनके सामने मजबूरियां हैं, ये सच नहीं लिख पाते हैं। ये जानते हैं अगर सच लिख दिया तो पुलिस वाले आएंगे रात के 2 बजे दरवाजा खटकाएंगे तुम्हारे घर का। बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? और अब तो अखबार टीवी वाले, मैं तो बधाई देता हूं, अगर लाइव चल रहा होगा तो लाइव बात जाएगी। अब तो अखबार और टीवी वाले भी हिसाब किताब करके देखते हैं, जैसा उनका बजट वैसी उनकी भाषा। इससे सोचिए हमारे और आपके सामने कितनी चुनौती है, बताओ हमारे और आपके सामने चुनौती है कि नहीं है? हमारे और आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे हमारा आपका मुकाबला है वो कहो भगवान की कसम खा करके भी झूठ बोलने लगे हैं। बताओ भगवान की कसम खा करके झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहां गंगा मैया तो नहीं है, लेकिन ये जो पानी जितना कुछ बहके जा रहा है बांदा का, सब गंगा मैया में जा रहा होगा, चाहे वो नाली का हो, नाले का हो, नदी का हो, बरसाती नाले का हो या यमुना का हो, सब गंगा मैया में जा रहा है। इन्होंने कसम खाई थी कि गंगा मैया को हम साफ कर करके दिखाएंगे। देखो जाकर के गंगा मैया की हालत क्या है। और केवल यही नहीं, जो शपथ लेते हैं वो कसम से कम नहीं है। याद कीजिए शपथ यही तो ली गई थी कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां जितने बैठे लोग हैं बताओ किसान भाइयों किसकी आय दोगुनी हो गई? और आज तो हर चीज रखी हुई है, मोबाइल में टाइप करो कब का भाषण सुनना है वो भी निकल कर दिया जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले समय तक, उनसे कहिए कि अपना पिछला भाषण सुनिए, लाल किले पे क्या कहा था आपने, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे बांदा चित्रकूट और बुंदेलखंड के किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। इतने गुजर गए जब हम आजादी का इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, हम तो कहते हैं जो समाजवादियों ने काम शुरू किया था सिंचाई के क्षेत्र में, जो लोग महोबा के होंगे ललितपुर के बारे में जानते होंगे, झांसी के बारे में या बांदा चित्रकूट में सिंचाई परियोजनाओं को सबसे पहले और सबसे ज्यादा पैसा बजट का अगर किसी ने दिया था उस समाजवादी लोगों ने देकर के बुंदेलखंड के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करने की शुरुआत की। हमें याद है कि तालाब चरखारी के बुंदेलों के समय पर कभी खुदे थे, उतने वर्षों के बाद किसी ने नहीं खोदे थे। पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने 100 दिन में
तमाम बड़े तालाबों को खुदवा करके उनको इंतजाम कर दिया था, कम से कम उनमें पानी भरा दिखाई दे। और ये जो अमृत काल में जो अमृत सरोवर खुद रहे हैं, ये ऐसे खोद के बन रहे हैं, इनमें पानी नहीं पहुंच रहा। पता नहीं कौन सी ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जो ये बनाए जा रहे उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए साथियों, हमारे और आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं। हमें और आपको उसी रास्ते पे चलना है जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया, जो रास्ता नेताजी लेकर के चले। इन दोनों का रास्ता वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि देश में समानताएं, गैर बराबरी खत्म हो, लोग संपन्न हो, समता मूलक समाज हो, लोग संपन्न हो और बराबरी हो। वही रास्ते पे हम लोगों को चलना है। और अगर कोई उस रास्ते पे चल रहा है तो वो केवल समाजवादी लोग हैं जिन्होंने समय समय पर आपको वो सुविधाएं वो मदद करेगा काम समय में। अगर हम लोगों ने जागरण नहीं किया, लोगों को जगाया नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस अंधकार की ओर हम लोगों को लेकर के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जो वक्ताओं ने आपसे कहा होगा और समझाया होगा वो आपने लिख लिया होगा या आपने अपने दिमाग में बात रख ली होगी कि हम लोगों के सामने कितनी बड़ी लड़ाई है। मैं बधाई देना चाहता हूं बांदा और चित्रकूट और आसपास के कार्यकर्ता जो लगातार पिछले दो दिन से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जहां हम इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं और बुंदेलखंड की बात हो तो ठीक ही कहा है किसी ने कि सबसे पहले हमें रानी लक्ष्मीबाई का योगदान याद आता है। जहां रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई और अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ा और बाद में उनकी जान भी चली गई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झलकारी बाई लगातार साथ देती रही, संघर्ष करती रही, हम भूल नहीं सकते। और अगर हम जब चित्रकूट को याद करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम याद आते हैं हम लोगों को। हमें याद है कि चुनाव से पहले हम लोगों ने चित्रकूट में भी शिविर किया था और उसका असर ये रहा कि हम चित्रकूट भी जीत गए, पूरा नहीं जीत पाए। बांदा में भी और चित्रकूट में भी पार्टी को पहले से बढ़कर के वोट मिला। जब हम चित्रकूट याद करते हैं और उसके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल पाते हैं। हनुमान चालीसा, यहां समाजवादी लोग जितने हैं, हनुमान चालीसा कई लोगों को तो पूरा याद है या कभी कभी वो हनुमान चालीसा सुनते भी हैं। और आज तो आधुनिक जमाना ऐसा है, मोबाइल को खोलो, टाइप करो और अपने आप हनुमान चालीसा बजने लगता है। अभी सदन में कह रहे थे कि ये जो टमाटर महंगा बिक रहा है इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ किसान भाइयों, यहाँ पर किसी ने टमाटर पैदा किए हो बता दो, किसी के खेत में टमाटर हो तो बता दो। और जिन्होंने ठेले से सब्जी मंडी से टमाटर खरीदे होंगे तो बताओ किस कीमत खरीदे होंगे। ये नौजवान भी लगता है मंडी जा रहे हैं खरीदने टमाटर, लेकिन बनाने वाली हमारी माता है, मैंने जानती होंगी। बताओ टमाटर की कीमत क्या है, जा रहा है।
अभी सुनने में आया उन्होंने पेड़ लगाए हैं, 30 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए। हमें तो लगता है उन्होंने छिपा करके कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए। पेड़ तो हमें दिख नहीं रहे कहीं, अगर दिख रहा हो तो बताओ। इन्होंने तो टमाटर के पौधे लगा दिए, कहीं लगता है उसी को गिनने रहे हैं। करोड़ों रुपया पता नहीं कहां जा रहा है, करोड़ों रुपया, और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में। उनपे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। क्या कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल। ऐसा तो नहीं कोई बांदा के लोगों ने छिप करके मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल कोई। इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो माधव चित्रकूट वालों, कहीं हो डिफेंस कॉरिडोर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस ने बनाया, वो भी हम लोगों की नकल की। कमाल तो इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री नकल करने ही नहीं जानते, नकल से भी पास नहीं हो सकते। वैसे तो नकल नहीं अकल चाहिए, बिना अकल के नकल नहीं कर सकते। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की नकल की, बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ही बुंदेलखंड फंस गया। और आज भी अगर यहां से जाओ तो झूला झूलते हुए चले जाओ, अगर झूला ना झूला हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चल लो, अपने आप पता लग जाएगा झूला झूला कि नहीं झूला। जिनके यहां कभी गवर्नर आए थे उनसे भी मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इन इन चीजों की जरूरत है। मुझे याद है जो जो उन्होंने बताया था और जो जो विभाग कह रहा था, उन सब चीजों को इंतजाम कर करके दे दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बांदा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और हम लोगों ने उसको शुरू भी किया। हम लोगों ने शुरू तो कर दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव कर करके, वो मेडिकल कॉलेज आज भी अधूरा है। ना वहां पर प्रोफेसर्स हैं, ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जो सहूलियत मिलनी चाहिए डॉक्टर को सीखने समझने की, वो तमाम कमियां हैं। उसके बाद ऐसे ही मेडिकल कॉलेज चला रहे थे तो ऐसा लगता था कि बॉल चिपका करके अपनी हॉकी से चल रहे हैं। उस समय के सबसे तानाशाह जिसको आज भी हम लोग जानते हैं, कभी कभी अपनी सरकारों को भी उस नाम से बुलाते हैं, हिटलर। सुनने में आता है कि हिटलर ने भी कहा कि तुम जर्मनी की टीम में आ जाओ, वो जर्मनी की टीम में नहीं गए, भारत की टीम से खेलते रहे। लोगों ने यहां तक हॉकी उनकी निकाल करके देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉकी पर कुछ ऐसी चुंबक हो जिसकी वजह से ये बॉल चिपक जाती हो। लेकिन जब हॉकी देखी तो वो उनका हुनर था, उनकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो हॉकी की बॉल को अपनी हॉकी के साथ लगा करके देश को, जो हॉकी का जादूगर कहा गया, शायद दूसरा प्लेयर आज ना हमारे देश में ना दुनिया में जो ध्यानचंद का मुकाबला कर सकता। बुंदेलखंड में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है। जो छूट गई चीजें उनको हम समाजवादियों को छोड़ने का काम कर रहे हैं।
अगर ध्यानचंद जी के नाम पर समाजवादियों ने स्टेडियम बनाया झांसी में, वही इलाज के लिए 500 बेड का अस्पताल भी वहीं बनाया। मुझे याद है मैं बांदा आया था, जब मैं आके जिला अस्पताल में गया था और जिला अस्पताल में मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, एक दो डॉक्टर हैं जिनका नाम बहुत है उनसे सब दिखाने आ रहे हैं। मैंने वहां के डॉक्टरों से पूछा कि क्या चाहते हो आप, उन्होंने कहा ये अस्पताल बहुत पुराना हो गया है, अगर ये अस्पताल बड़ा बन जाए तो हम लोग मरीजों को ज्यादा देख लेंगे और हम लोगों को बैठने की भी सहूलियत हो जाएगी तो अच्छा देख सकेंगे मरीजों को, गरीबों को। उसी समय तय किया था और बड़ा अस्पताल जिला बनाने का काम किया था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि जो समाजवादियों ने जिला अस्पताल दिया था वो बन गया कि नहीं बन गया, उन्होंने बताया कि वो बन के तो खड़ा है लेकिन आज तक उसमें ना डॉक्टर है ना दवाई है ना कोई इंतजाम है, वो वैसी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है। करोड़ों रुपया पता नहीं कहा जा रहा है, करोड़ों रुपया, और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में, उनपे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल, ऐसा तो नहीं कोई बांदा के लोगों ने छिप कर के मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल कोई। इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो माधव चित्रकूट वालों, कहीं हो डिफेंस कॉरिडोर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया वो भी हम लोगों की नकल की, कमाल तो इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री नकल करने ही नहीं जानते, नकल से भी पास नहीं हो सकते। वैसे तो नकल नहीं अकल चाहिए, बिना अकल के नकल नहीं कर सकते। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की नकल की, बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ही बुंदेलखंड फंस गया। और आज भी अगर यहां से जाओ तो झूला झूलते हुए चले जाओगे, क्योंकि अगर झूला ना झूला हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चल लो अपने आप पता लग जाएगा झूला झूला कि नहीं झूला। सरकार है जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं, ये अधिकारी बदल जाते हैं जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है, जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टेयरिंग होता है, और इनको सोचना चाहिए। लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं, और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इल्लीगल हैं। अगर दो छत का घर इल्लीगल हो सकता है केवल एक फिट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की 5 मंजिल की 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी। तब बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमें मदद मिलेगी, और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोक कल्याण, लोक जागरण, सिविल प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए, ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे,
बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है, जहां गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों से सड़क नहीं बनाई। और ताज्जुब तो तब होता है जब गोरखपुर लिंक केवल 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बना रहे। ये सरकार जो दूसरों पे आरोप लगाती थी, आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6,000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है, रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकार्पेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हो। सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहां पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई, इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर मुकदमा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।